बताओ। ये जो वंदे भारत ट्रेन हमारे डिवीजन में चलती है उसमें 22925 पे जब वो बिलेश्वर से राजकोट स्टेशन के मध्य थी, तो राजकोट स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर पहले उसके ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पथराव किया गया, और पथराव में ज़्यादा पत्थर नहीं फेंके गए, उसमें हल्का सा C4 और C5 कोच में विंडो पे हल्का सा क्रैक आया है, जिसमें किसी भी पैसेंजर को किसी भी प्रकार का कोई डैमेज या फिर कोई भी उसमें हताहत नहीं हुआ है। इसमें हालांकि टीम वगैरह द्वारा तुरंत उसमें स्पॉट पे भेजा गई, टीम भी टीम में एक ASI लेवल का अधिकारी और बाकी अधिकारी भी रहे, और उन्होंने वहाँ पर छानबीन की, और अभी तक हालांकि इसमें लीड नहीं मिल पाई है, बट जैसा कि अनुभव रहा है ये वाला जो एरिया है लगभग बिलेश्वर राजकोट के मध्य वाला, यहाँ पे काफ़ी घनी बस्ती है, और बस्ती में कई बार बच्चे गाड़ी को आते हुए देख करके कई बार पत्थर फेंक देते हैं, जैसे मतलब उत्सुकता बस, तो जनरली इस तरीके का रहता है। तो इस संबंध में जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, और हमने इस वर्ष में लगभग 450 के आसपास जागरूकता अभियान किए हैं हमारे स्टाफ ने स्टोन पेल्टिंग के द्वारा के संबंध में, और इसमें भी अभी हालांकि टीम स्पॉट पे है, और इसमें RPF के द्वारा रेलवे एक्ट की धारा 154 के तहत इसमें केस दर्ज कर लिया गया है, और इसमें टीम प्रयास कर रही है, इसमें गुप्त सूत्रों से भी जानकारी प्राप्त की जा रही है, और इसमें प्रयास किया जाएगा, हर मालूम किया जाएगा, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कह सकते हैं कि बेसिकली किस तरीका किसने किया या फिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है। सर सर अभी कौन कितना नुकसान कितना हुआ है, कितने कांच टूटे? इसमें C4 और C5 कोच में नुकसान हुआ है, नुकसान मतलब ग्लास ज़्यादा ब्रेक नहीं हुआ है, क्रैक आए हैं ग्लास में। ये जो ग्लास रहता है ये एक्चुअली फाइबर रिइंफोर्स्ड ग्लास रहता है, जिससे कि पैसेंजर की सुरक्षा को इंश्योर किया जा सके, तो उसमें जब कोई पत्थर टकराता है तो उसमें केवल क्रैक आता है, पैसेंजर को कोई इसमें नुकसान ही नहीं सर होगा। अभी तक कितने लोगों की पूछताछ की गई है वहां पे? अभी पूछताछ जारी है, मैं आपको बोलूंगा कल रात से ही जब से ये घटना घटित हुई है उसमें रेलवे स्टाफ को से भी पूछताछ की गई है, जो गाड़ी में पैसेंजर थे उनसे भी पूछताछ की गई है, घटनास्थल पर जाकर के भी बस्ती में जो सरपंच वगैरह रहते हैं और बाकी के जो भी हैं और भी लोगों से पूछताछ की गई है, हमारे स्टाफ की एस्कॉर्ट पार्टी RPF एस्कॉर्ट पार्टी गाड़ी में चलती है उनसे भी पूछताछ की गई है, ठीक है, एस्कॉर्ट पार्टी को भी यहाँ पे सुबह सुबह बुलाया है, और इसमें उचित कार्रवाई की मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। सर उस वक्त गृह मंत्री का उसमें सवार थे जी ट्रेन में, वो कौन से कोच में? गृह मंत्री साहब का कोच का मूवमेंट तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि गृह मंत्री साहब की सुरक्षा की दृष्टि से उनको उसके हिसाब से बैठाया जाता है, ठीक है, और उसको मतलब कोच वगैरह नहीं बताया जाता है कि किस कोच में उनको बैठाएंगे, क्योंकि उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है संपूर्ण रेल प्रशासन के लिए, तो ये चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ पूरे इसमें कि इसमें किसी भी पैसेंजर को इंक्लूडिंग गृह मंत्री साहब को किसी को भी उसमें कोई नुकसान ही सर ऐसी नहीं घटना दोबारा ना बने, इसलिए जो बच्चे हैं तो काफी उत्साह में आ गए थे, उसके माता पिता के साथ और वगैरह वहां किसी के साथ बातचीत हुई है रेलवे प्रशासन में? जी जैसा मैंने पहले भी बताया, हम जो भी घनी बस्ती वाले एरिया हैं यहाँ पर जहाँ पे इस तरीके के बच्चों वाली शिकायत रहती है स्टोन पेल्टिंग की, तो उसमें स्पॉट पर जाकर के उनके बच्चों को समझाइश भी की जाती है, गांव वालों को भी समझाइश की जाती है, जो चरवाहे रहते हैं आसपास वो भी जो आसपास ट्रैक के आसपास रहते हैं उनको भी समझाइश दी जाती है, इसके अलावा रेलवे के बाकी के डिपार्टमेंट भी, जैसे कि हमारे बहुत सारे रेलवे के कर्मचारी जो हैं जैसे गैंगमैन हो गया, खलासी हो गए, या फिर LC गेट पे काम करने वाले स्टाफ हो गए, और हमारे RPF के बल सदस्य हो गए, तो ये सभी स्टाफ मिलकर के इन सबको भी ट्रेनिंग दी जाती है एक तरीके से कि आपको किसी भी तरीके की इस तरीके की गतिविधि रहती है नोटिस में आती है तो उसकी तुरंत सूचना कंट्रोल को दी जाए, जिसके सर आधार पर कर यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि आगे भी पहले भी पत्थर फेंके गए? पहले भी इंसिडेंट हो चुका है, हालांकि मतलब दूसरी गाड़ी में इस तरीके का इंसिडेंट था जिसमें हमने इस साल 2 केस दर्ज किए, दोनों केस हमने डिटेक्ट किए,
वो कहाँ पे हुए? उनमें से एक केस जो था वो राजकोट बिलेश्वर के मध्य था, उसमें दो अडल्ट लोगों ने पत्थर फेंका था, उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई, दोनों को जेल भी भेजा गया। और लेकिन ये घटना थोड़ी पुरानी है, ठीक है, और अभी फिलहाल में ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरीके के कोई आवारा तत्व वगैरह या किसी ने फेंका। रेलवे विभाग वहां पे जाके जो बच्चे हैं काफी उत्साह में आ जाते हैं, कभी कभी बड़ा नुकसान भी हो जाता है जी, तो वहां पे जाके आपको समझाएंगे वहां पे उसके माता पिता जी बच्चे वगैरह को समझाएंगे कि ये क्या? हाँ, इसी एरिया में लगभग हमने राजकोट डिवीजन में करीब 450 के आसपास स्टोन पेंटिंग से संबंधित जागरूकता अभियान चलाए हैं, जो कि इस वर्ष में चलाए गए हैं। तो हर साल लगभग अप्रोक्सीमेटली 450 से 500 के आसपास हम लोग ऐसी मीटिंग करते हैं जिसमें कि सरपंच रहते हैं या फिर जो बुजुर्ग सदस्य रहते हैं, परिवारजन रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। हम लोग स्कूल में जाकर के भी हम प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें बच्चों को समझाया जा सके कि इस तरीके की वो गतिविधि में ना करें।